हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं संकेत और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं स्कैरी टीचर 3 गेम के साथ। तो पिछले बार हमने स्पेशल चैप्टर में के प्रैंक से मिस्टी के बैंड बजाए थे, तो इस बार हम इस लेवल को स्टार्ट करते हैं, फ्लाइट क्लब। ओके, तो इस लेवल में आज मिस्टी हमारे ऊपर प्रैंक करना चाहती है, वो जो हमें बिल्कुल भी होने नहीं देना है। हमें उसका प्रैंक उसी पर लादना है, लेकिन देखते पहले मिस्टी क्या करने वाली है। चले फिर। यहाँ पे लग रहा है कि मिस्टी कुछ खतरनाक सा प्रैंक करने का सोच रही है। देखते फिर हमें क्या करना है। यहाँ से तो मुझे पता नहीं चल रहा है मिस्टी क्या प्रैंक करने वाले हमारे साथ, इसलिए पहले हिंट ले लेता हूँ। तो हमें प्रैंक केक को ढूंढना है। वैसे केक तो किचन में ही होगा, लेकिन पता नहीं ये मिस्टी केक के साथ क्या प्रैंक करने वाली है। ओके, ये रही मिस्टी, इसे जाने दो, फिर हम किचन में जाते हैं। क्यों, वो चली गई है? अरे ये यहाँ पे कुछ रखा है। यहाँ से हमें व्हाइट क्रीम मिल गई है, ये कहीं ना कहीं यूज तो होने वाली है। खैर, अब यहाँ पे केक कहाँ है? शायद फ्रिज में होगा। हाँ ये रहा। वाह, स्ट्रॉबेरीज। अरे शायद ये वाला प्रैंक केक नहीं है। तो हम देखते हैं इसने वो केक कहाँ पे रखा है। यहाँ से ऊपर जाके देखते हैं। वैसे वो भी आ रही है वहाँ से। अब यहाँ पे, यहाँ तो बस सामान पड़ा हुआ है, यहाँ तो नहीं होगा। ये तो बाथरूम है, यहाँ तो रखेगी नहीं है। क्या लगता है मिस्टी भी ऊपर ही आ रही है। खैर, यहाँ वैसे वो चीज़ें रखती है, लेकिन यहाँ केक तो नहीं है। यहाँ पे, अरे ये क्या है, क्या पता नहीं क्या है, रख लेते आगे चल के कुछ काम आया तो। यहाँ पे ये क्या, लॉकर, शायद इसमें केक रखा होगा। केक को रखा तो रखा, ऊपर से इसने बॉम्ब भी लगा दिया वहाँ पे। अब उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए वायर कटर को लेकर आते हैं। वायर कटर तो स्टोर रूम में होगा, वहाँ पे जाके लेकर आते हैं। इस दरवाजे को खोलते हैं। यहाँ पे ओके, ये रहा वायर कटर। अब उस लॉकर को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से इसे आराम से ओपन करना होगा। ब्लू वायर को काटना है कि रेड वायर को? खैर, रेड वायर को ही कट करते हैं। स्विच द फ्रूट फ्रॉम द केक्स। ओके, तो इस ब्लैकबेरीज को निकाल कर यहाँ पे इस स्ट्रॉबेरी को रखना है और इसे बंद करके नीचे किचन में जो केक रखा है उस पर ही ब्लैक ब्रिज को रखते हैं। ये मिस्टी हॉल में ही है, यहाँ से चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस ब्लैक ब्रिज को इस केक पर लगा देते हैं। विच द फ्रोस्टिंग फ्रॉम द केक्स। तो यहाँ से हमें यहाँ से रेड क्रीम भी मिल चुकी है। अब इसे मिक्स करने के लिए ओके, इस बाउल में करते हैं। इसमें रेड क्रीम तो डाल दी, अब ये वाइट क्रीम को डालकर मिक्स कर देता हूँ। ओके, तो इसका कुछ गुलाबी सा कलर हो गया है, जैसे ये वाला केक का कलर है वैसा। अब इस क्रीम से ऊपर रखे वाइट केक को गुलाबी करते हैं। चलो फिर ऊपर की ओर जाते हैं। अब यहाँ से इस वाइट केक को गुलाबी कलर में बदल देते हैं और इसे लेकर नीचे चलते हैं। और नीचे रखे केक को यहाँ लेकर आकर उस लॉकर में रखते हैं। मिस्टी भी वैसे नीचे ही आ रही है, देखते ही देखते कहाँ जाती है। लगता है किचन से बाहर जा रही है। ओके, चलो फिर। अब यहाँ पे इस केक को वाइट कलर में बदल देते हैं और यहाँ इस वाले केक को रख देते हैं। अब बस हमें ये वाला केक ऊपर जाके रखना है ताकि उसे पता ना चले कि हमें चेंज किया है। लेकिन पता नहीं इसमें ऐसा मिस्टी में क्या मिला गया है। अब इसे रखते हैं यहाँ पे, इसे बंद कर देता हूँ। अब मिस्टी आने से पहले यहाँ से निकलते हैं।
अबे एक ही टाइम में कितना बड़ा पीस खाओगे? अरे भाई ये क्या रिमोट? ये क्या हो रहा है इसके साथ? लगा ही तो इसने कुछ मिलाया इसमें। ये क्या हो रही है? अरे ये तो प्लेन पे ही चिपक गई। लेकिन पता नहीं इसमें केक में क्या मिलाया था, पर मजा आया इसकी बैंड बजाने में। ओके तो आगे के लेवल खेलते हैं। ओके तो इस लेवल में हमें मिस्टी ने रखी ईस्टर पार्टी को खराब करना है। देखते फिर क्या हो रहा है। अच्छा तो अंकल भी है यहाँ पे, लेकिन ये क्या कर रहा है इस स्टैचू के साथ? शायद से चॉकलेट का स्टैचू है। हाँ चॉकलेट का ही है। Look at this. It's melting. और इसमें मेल भी हो रहा है। Ruined. No. I'll turn on the AC later to prevent more. Find a way to destroy this chocolate statue. ओके तो हमें उसके स्टैचू को खराब करना है। वैसे भी वो मेल्ट ही हो रहा था, इसलिए हम उसने एसी को ऑन किया है। तो पहले हम वापस जाके एसी में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं क्या देखते हैं। तो देखते हैं वापस जाके। ये क्या लिखा है? इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम द रेडिएटर टू मेल्ट द चॉकलेट। ओके तो हमें एसी का टेम्परेचर बढ़ाना है। ये ऑन होगा क्या? नहीं। वैसे इसमें चॉकलेट का टैचू मस्त बना है, लेकिन इसे कौन खाएगा यार? फिर देखते हैं यहाँ से इस एसी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या करना है। पहले हम स्टोर रूम में जाके देखते हैं, वहाँ पे कुछ मिल जाए। शायद से मिस्टी भी हॉल में ही। अरे यहाँ पे क्या रखा हुआ है? बकेट। चलो इसे भी रख लेते, आगे चल के कुछ काम है। इसे ओपन करके तो यहाँ से हमें चाहिए। ये क्या है? यूज द नॉब टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम द रेडिएटर। तो इसे हमें यूज करना है। इसके लिए यहाँ से वायर कटर को ले लिया और इस पानी को भी ले लेता हूँ। ओके तो हमें अंदर जाके नॉक को फिक्स करके एसी का टेम्परेचर को बढ़ा देना है। तो इसे यहाँ पे लगाया, अब इसे फिक्स करने के लिए इस पानी से फिक्स करते। ओके अरे ये तो टोड़ी डाला। सेटअप प्रैंक इन द एसी। अब और क्या एसी में करना है? यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, हमें हिंटी लेनी होगी। यू कैन यूज फेदर। ओके यानी हमें इसके एसी में पंख डालने होंगे, जो कि शायद किलो में रखते हैं। उसे हमें दिन पर एसी में डालना है। वाओ अंकल, अरे हाँ ये रहे ना, लेकिन इसे हमें ध्यान से निकालना होगा, नहीं तो अंकल मेरी बैंड बजा देगा। शायद यहाँ पर दूसरा किलो होगा, देखते हैं। यहाँ तो नहीं रखा है। ओके तो यहाँ से हमें पिलो मिल चुका है, इसे उस अंकल के पिलो से एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ से चलते हैं, अंकल यहाँ पर ही सोए हैं ना। इसे ओपन किया, अब इस पिलो को आराम से चेंज करते हैं। आराम से। ओके अब इसमें से पंख निकालने के लिए इसे काटना होगा। यहाँ कैंची दिखी थी मुझे। ओके ये रही, इसे कट करते हैं। अरे लगता है इसे कट नहीं होगा, इसे कट करने के लिए दूसरी कुछ चीज ढूंढनी होगी। यहाँ से चाकू से देखते हैं। ओके अब इसे निकालने के लिए हाँ इस बकेट में भर सकते हैं। ओके अभी बस हमें जाके इसे एसी में रखना है। लेकिन ये मिस्टी कहाँ जा रही है? यहाँ से तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते, वो वहीं पर ही जा रही है। तो हमें वहाँ जाने के लिए घूम कर जाना होगा। अच्छा वो चली गई, यहाँ से चलते हैं अंदर। ओके तो पीछे हाँ यहाँ पे रखना है। अब मिस्टी यहाँ पे आने से पहले यहाँ से निकलते हैं।
इसे भी अभी गर्मी लगने लगी है, अभी आ जाए इसे। ओ, ये तो सारी चॉकलेट मेल्ट हो गई। अभी इसने तो इसे ऑन किया। अरे भाई ये क्या हुआ इसके साथ? ये तो मुर्गी बन गई। तो गाइस वीडियो को करते खत्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो आती ही सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।